गरीब लड़की और अहंकारी लिपस्टिक। एक बार की बात है जब परीलोक में चुड़ैल आक्रमण कर देती है और वो परीलोक से ढेर सारा सामान चुरा कर वहाँ से गायब हो जाती है। चुड़ैल के परीलोक से जाने के बाद परियों को पता चलता है कि चुड़ैल उनके जादुई लिपस्टिक लेकर वहाँ से भाग गई है, लेकिन जादुई लिपस्टिक का चुड़ैल उपयोग नहीं कर सकती थी क्योंकि उस जादुई लिपस्टिक को प्रयोग करने का एक मंत्र था जो चुड़ैल को मालूम नहीं था। चुड़ैल अपने गुफा में बैठकर उस जादुई लिपस्टिक को देखती है और कहती है, ये लिपस्टिक तो बहुत सुंदर लग रही है, परंतु इस लिपस्टिक को प्रयोग कैसे करते हैं? अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है तो मैं परियों का मुकाबला कर सकूंगी। चुड़ैल बहुत कोशिश करती है लेकिन वो लिपस्टिक का जादुई मंत्र नहीं ढूंढ पाती। वहीं दूर एक लड़की जिसका नाम संध्या था, वो अपने माता पिता के साथ एक सुल्तान नाम के शहर में रहती थी, जहाँ पर ढेर सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल थे। वहीं पर संध्या ने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। संध्या का ब्यूटी पार्लर बहुत ज्यादा चलता था, कस्टमर की वहाँ पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन चुड़ैल संध्या के ब्यूटी पार्लर आती है। सुनो लड़की, मैं यहाँ पर अपना मेकअप करवाने आई हूँ, क्या तुम मेरा मेकअप कर दोगी? चुड़ैल की सूरत देखकर और आवाज सुनकर संध्या डर जाती है, परंतु वो अपने आप को किसी तरह संभालती है और मेकअप करने के लिए हाँ कर देती है। हाँ क्यों नहीं मैडम, आप बैठिए, मैं आपका बहुत अच्छा मेकअप कर दूंगी, परंतु उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। क्या, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी चुड़ैल हूँ, मैं तुम्हें एक ही चुटकी में खत्म कर सकती हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरा मेकअप कर दो शांति से। संध्या डरते हुए चुड़ैल का मेकअप करने लग जाती है। संध्या चुड़ैल का बहुत ही सुंदर मेकअप करती है और उसके चेहरे पर ढेर सारी क्रीम लगाकर उसको बहुत सुंदर बना देती है। जब चुड़ैल अपने आप को आईने में देखती है तो उसे संध्या का मेकअप बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा लगा। संध्या, तुम्हारे अंदर कोई तो बात है जो तुम इतना अच्छा मेकअप कर लेती हो। मैं तुम्हारे इस मेकअप से खुश हो गई हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, रुको। इतना कहकर चुड़ैल संध्या को परीलोक से चुराई हुई वो जादुई लिपस्टिक दे देती है और वहाँ से चली जाती है। संध्या उदास मन से चुड़ैल से वो लिपस्टिक ले लेती है। हे भगवान, ये चुड़ैल तो मेरा नुकसान करके चली गई और एक साधारण सी लिपस्टिक दे दी, भला मैं इस लिपस्टिक का क्या करूँगी? ऊपर से ये लिपस्टिक तो काली लिपस्टिक है, किसी ग्राहक को मैं लगा भी नहीं सकती। मुझे इसे यहाँ से हटा देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो इस काली लिपस्टिक का बुरा साया मेरे ब्यूटी पार्लर पर पड़ जाए। संध्या लिपस्टिक को ब्यूटी पार्लर के एक कोने में रख देती है। अगली सुबह संध्या उठकर अपने ब्यूटी पार्लर जाती है और वो दुकान की सफाई करने लगती है कि तभी वहाँ पर एक शहर की हीरोइन अपना मेकअप करवाने के लिए उसकी दुकान पर आती है। एक्सक्यूज मी मैडम, दो दिन बाद मेरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, क्या तुम मेरा मेकअप कर सकती हो? मैंने तुम्हारे ब्यूटी पार्लर के बारे में बहुत सुना है, अगर मैं ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाऊंगी तो जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें सब दूंगी, परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संध्या एक बड़ी सी हीरोइन को अपने ब्यूटी पार्लर में देखकर बहुत खुश होती है और वो उस हीरोइन का मेकअप करने के लिए हाँ कह देती है। संध्या अपने बाकी के कामों में लग जाती है। तभी वो हीरोइन ब्यूटी पार्लर के कोने में रखी हुई लिपस्टिक का प्रयोग करती है, जिस लिपस्टिक को लगाते ही उस हीरोइन का चेहरा बिल्कुल काला हो जाता है और उसके चेहरे पर ढेर सारे दाने भी आ जाते हैं। ये देखकर हीरोइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ए लड़की, ये मेरे चेहरे पर क्या हो गया है? तेरी ये गंदी सी लिपस्टिक मेरे पूरे चेहरे को खराब कर दिया, अब बता मैं इस चेहरे के साथ क्या करूँगी? मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी दुकान की सारी लिपस्टिक एकदम ब्रांडेड लिपस्टिक है, आप जरा मुझे दिखाइए आपने कौन सी लिपस्टिक लगाई है। हीरोइन संध्या को वो लिपस्टिक दिखाती है। वो लिपस्टिक देखकर संध्या को सब याद आ जाता है कि वो लिपस्टिक तो चुड़ैल देकर गई थी। संध्या कुछ बोलने के लायक नहीं रहती। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, आपको इस लिपस्टिक के चलते इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, अगले दो दिनों में मैं आपको बिल्कुल पहले से ज्यादा सुंदर कर दूंगी, आप मेरा भरोसा करिए।
देखो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ। आने वाले 2 दिनों में मेरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। अगर मैं वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीती तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी और मैं इस चेहरे के साथ बाहर नहीं जा सकती हूँ। कोई बात नहीं मैडम, मैं आपका ये राज छुपा कर रखूंगी। आप 2 दिन मेरे घर पर रह सकती हैं। मैं आपकी ये हालत किसी को नहीं देखने दूंगी। संध्या मैडम को अपने घर पर रख लेती है और संध्या सोचने लगती है कि आखिर वो किस तरह मैडम की हालत पर सुधार लाए। संध्या को कुछ समझ नहीं आता। संध्या अपने ब्यूटी पार्लर का नाम खराब नहीं करना चाहती थी। रात को जब वो हीरोइन सो जाती है तो संध्या उसके इलाज के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती है। संध्या उसके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाती, एलोवेरा जेल लगाती, परंतु उन सब से भी कुछ नहीं हो पा रहा था। अब संध्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। संध्या को रोता हुआ आसमान से बाल परी देख लेती है। वो संध्या की मदद करने के लिए संध्या के पास आती है। क्या हुआ संध्या, तुम रो क्यों रही हो? परी जी, ब्यूटी पार्लर की एक ग्राहक है जो चुड़ैल की दी हुई लिपस्टिक से एकदम बदसूरत हो गई है और अब कुछ भी करने से वो ठीक नहीं हो पा रही है। अब मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात संध्या? अच्छा मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर बाल परी संध्या को एक और लिपस्टिक देती है जो एक जादुई लिपस्टिक होती है। ये लो संध्या, ये लिपस्टिक तुम्हारी मदद करेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। संध्या सुबह उठकर वो जादुई लिपस्टिक उस हीरोइन को लगा देती है। उस लिपस्टिक के लगाते ही वो हीरोइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। इसके बाद वो हीरोइन संध्या को ढेर सारे पैसे देती है और संध्या के ब्यूटी पार्लर के लिए प्रचार भी करती है। अब संध्या का ब्यूटी पार्लर बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और उसके ब्यूटी पार्लर पर ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर संध्या का लालच मन ही मन बहुत बढ़ जाता है और वो अपने ग्राहकों से मनचाहे पैसे वसूलने लगती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब संध्या बहुत अमीर हो चुकी थी। परीलोक में सभी परियों को पता चल गया था कि संध्या लिपस्टिक का गलत प्रयोग कर रही है, इसलिए परियां संध्या के पास आती है और उससे अपनी लिपस्टिक वापस मांगती है। संध्या, ये लिपस्टिक हमें वापस कर दो। हम जानते हैं कि तुम इस लिपस्टिक का सही उपयोग नहीं कर रही हो। ये लिपस्टिक हमने केवल तुम्हें मुसीबत से बचने के लिए दी थी, परंतु हम देख रहे हैं कि अब तुम लालच में आ गई हो। संध्या परी को लिपस्टिक वापस नहीं करना चाहती थी। वो लिपस्टिक को छुपा देती है और कहती है, परी जी वो लिपस्टिक तो खो गई है जो मुझे काफी दिनों से नहीं मिल रही है। जैसे ही मुझे वो लिपस्टिक मिल जाएगी मैं आपको वापस कर दूंगी। परियां जानती थी कि संध्या झूठ कह रही है, परंतु वो वापस चली जाती है। उसके बाद संध्या को याद आता है कि उसके पास चुड़ैल की दी हुई काली लिपस्टिक भी है। अब संध्या को समझ नहीं आता कि वो काली लिपस्टिक का प्रयोग किस तरह से करे। वो काली चुड़ैल मुझे लिपस्टिक देकर तो चली गई है, परंतु इसका उपयोग कैसे करती है? मैं इसका उपयोग करके दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाऊंगी और बाकी सभी को बदसूरत बना दूंगी। वो काली लिपस्टिक ये सब सुन रही होती है, तभी वो बोलती है, संध्या मैं एक काली अहंकारी लिपस्टिक हूँ और मुझे केवल वही लोग इस्तेमाल कर सकती हैं जो बुराई पसंद करते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरा उपयोग कर सकती हो। क्या सच में लिपस्टिक तुम मेरा साथ दोगी? मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदलना है और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया बदसूरत हो जाए। क्यों नहीं संध्या, तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में जो भी आएगा तुम उसका मेकअप मेरी लिपस्टिक से कर देना। वो बहुत ही काला हो जाएगा और फिर वो जिसे भी छुएगा वो व्यक्ति भी काला हो जाएगा। इस तरह एक एक करके सभी लोग काले हो जाएंगे। अहंकारी लिपस्टिक की बात मानकर संध्या के ब्यूटी पार्लर में अब जो कोई भी आता है उसका संध्या काली लिपस्टिक से मेकअप करती थी, जिसके बाद वो लोग बहुत काले हो जाते थे। जब कोई भी कस्टमर संध्या को खरी खोटी सुनाता था तो वो भयंकर लिपस्टिक उसे बिजली के झटके देती, जिससे डर कर वो लोग वहाँ से भाग जाते थे। अब धीरे धीरे करके संध्या का ब्यूटी पार्लर भी बंद हो जाता है और वहाँ पर कोई नहीं आता। ये सब देखकर लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और वो परियों से मदद मांगते हैं। देखो परी, ये सब क्या हो रहा है? अगर इसी तरह चलता रहा तो संध्या एक दिन इस पूरी दुनिया को काले इंसान में बदल देगी और खुद दुनिया पर राज करेगी।
आप सभी चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। मैं इसका हल बहुत ही जल्द निकाल लूंगी। इस समय अब कोई भी संध्या के ब्यूटी पार्लर नहीं जाएगा। अब परी संध्या को मजा चखाना चाहती थी, परंतु परी जानती थी कि लिपस्टिक को हराने के लिए पहले चुड़ैल को हराना होगा। परी संध्या के पास जाती है। सुनो संध्या, हम सब जानते हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला है कि तुम्हारी लिपस्टिक खो गई है, परंतु अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम इस लिपस्टिक के साथ खत्म हो जाओगी। संध्या के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है और वो परियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। जब संध्या काली लिपस्टिक का प्रयोग करती है तो वहाँ पर चुड़ैल भी प्रकट हो जाती है और चुड़ैल और परी के बीच घमासान युद्ध होता है। आखिर में चुड़ैल परियों से हार जाती है और परियों की जीत हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल के साथ साथ वो काली भयंकर लिपस्टिक भी नष्ट हो जाती है। संध्या को उसके की सजा देने के लिए परी संध्या को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल देती है और वो उसे जंगल में एक पिंजरे में कैद करके छोड़ देती है और परी पूरी दुनिया को फिर से ठीक कर देती है। अब सभी लोग परियों से खुश हो जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं और सभी आम इंसान की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ जंगल में संध्या को अपने किए पर पछतावा होता है, परंतु वो एक काली बदसूरत लड़की ही रहती है। बहुत समय पहले की बात है, शिवपुर नामक गांव में शिवानी अपने पिता कुणाल और माँ श्वेता के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। शिवानी के पिता एक मजदूर थे जो अपने गांव में ही मजदूरी किया करते थे और जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन कोई दूसरा काम ढूंढकर काम कर लिया करते थे, चाहे वो खेती का हो या फिर साफ सफाई का। मजदूरी करके कुणाल को इतना फायदा नहीं होता था जिससे वो अपनी बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा सके, क्योंकि गांव के सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करती थी। इसलिए कुणाल अपनी बेटी शिवानी को गांव के सरकारी स्कूलों में नहीं भेजता था। कुणाल दिन रात मेहनत करने के बाद भी इतना कमा नहीं पा रहा था कि वो अपना घर बार चला सके और साथ में अपनी बेटी को भी अच्छा एडमिशन दिलवा सके। और ऐसे ही एक दिन शिवानी की माँ श्वेता अपने पति कुणाल से कहती है, इस महंगाई के दौर में मुझे लगता है कि हम दोनों को काम करना चाहिए ताकि हम अपनी बेटी का भविष्य अच्छा कर सके, क्योंकि जो मुश्किल वक्त हमने देखा हम दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी भी उस मुश्किल वक्त से गुजरे। हाँ सही कह रही हो तुम, पढ़ लिख लेगी तो अपना खुद का काम शुरू कर पाएगी और अच्छा कमा सकेगी। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत करो, हमारी बेटी जरूर अच्छे स्कूल में पढ़ने जाया करेगी। मैं कल ही गांव के प्रधान के पास जाऊंगी ताकि वो मुझे कोई हल्का फुल्का साफ सफाई का काम दे दे। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के भविष्य के लिए बहुत चिंतित होती हैं और दोनों ही काम करने के लिए सोचते हैं। और अगले दिन श्वेता गांव के प्रधान के यहाँ आ जाती है और कहती है, नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते, आज कैसे आना हुआ? राशन पानी में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं प्रधान जी, मैं अपनी बेटी का किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ, क्योंकि गांव के सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटी नहीं मिल रही जो मैं अपनी बेटी को देना चाह रही हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश का महत्व बहुत हो जाएगा और गांव के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश तो दूर की बात, ढंग से पढ़ाते तक नहीं है। गांव के ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं और जब तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तो तुम अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा पाओगी? प्रधान जी, हम दोनों पति पत्नी काम करके अपनी बेटी के भविष्य के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बताओ तुम किस काम से आई थी? प्रधान जी, आपकी हवेली में साफ सफाई का काम करना चाहती हूँ। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपनी हवेली में साफ सफाई का काम दे दे। ठीक है, तुम कल से हमारे यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें केवल महीने के 3,000 रुपए ही दे पाऊंगा। श्वेता को काम तो मिल जाता है, लेकिन गांव का लालची प्रधान श्वेता को बहुत कम पैसों में नौकरी देता है और अपनी बेटी के भविष्य के लिए श्वेता प्रधान को हाँ कह देती है और काम पर अगले दिन चली जाती है।
श्वेता प्रधान की हवेली पहुंचती है तो नौकर द्वारा श्वेता काम को अच्छे से समझ लेती है और काम में लग जाती है। पूरा दिन अच्छे से काम करके श्वेता अपने घर वापस चली जाती है और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और श्वेता अपने काम को लगन और मेहनत के साथ करती है। इतनी मेहनत और लगन के साथ श्वेता को काम करता देख गांव का प्रधान श्वेता के काम से बहुत प्रसन्न होता है और उसे 2 महीने बाद दुगनी सैलरी देने लगता है, जिससे श्वेता और कुणाल दोनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब श्वेता की सैलरी 6,000 हो जाती है और इस तरह श्वेता और कुणाल 4 महीनों में अच्छा खासा पैसा जोड़ लेते हैं और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन फॉर्म निकलते ही अपनी बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कर देते हैं। शिवानी एडमिशन के बाद 15 दिन बाद स्कूल जाने लगती है और शिवानी अपने क्लास फर्स्ट में पहुंचती है और वहां देखती है कि बहुत अच्छे बच्चे उसके क्लास में होते हैं जो इंग्लिश में बातें करते हैं। ये सब देख शिवानी बहुत खुश होती है और अपने कुछ अच्छे दोस्त बनाती है। आज मेरा पहला दिन है, इससे पहले मैंने कभी इतना अच्छा स्कूल नहीं देखा। हाँ शिवानी, मैं भी तुम्हारे गांव के पास टिकरी कलान से आया हूँ। मैंने भी कभी इतना बड़ा स्कूल नहीं देखा, क्योंकि हमारे गांव में तो छोटे छोटे स्कूल होते हैं। मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में कराया है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अब हम दोनों दोस्त हैं, शिवानी और हम खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पूरा दिन शिवानी अपने दोस्त बनाती है और उनमें से सबसे अच्छा दोस्त उसका भव्य बनता है। स्कूल के बाद शिवानी और भव्य दोनों अपने अपने पेरेंट्स के साथ घर चले जाते हैं और इस तरह शिवानी एक अच्छे स्कूल में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। लेकिन शिवानी के घर के पड़ोस में रहने वाली सुलेखा शिवानी को प्राइवेट स्कूल में जाता देख बहुत जलती है और वो गांव के प्रधान के पास पहुंचकर शिवानी की माँ की चुगली कर देती है। नमस्ते प्रधान जी, मैंने सुना है कि आपने गांव के श्वेता नाम की औरत को अपने यहाँ पर काम पर रखा है। हाँ, मैंने अभी कुछ समय पहले ही रखा है उसे, वो बहुत अच्छा काम करती है। मैंने सुना है कि श्वेता एक चालाक औरत है और वो जहाँ भी साफ सफाई का काम करने जाती है वहाँ सच में साफ सफाई ही कराती है। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ आई, तुम मुझे जरा साफ साफ शब्दों में समझाओ। पिछले जिन घरों में श्वेता ने काम किया है उन घरों में लोगों के पैसे और जेवरात गायब हो जाते हैं। आप भी अपनी हवेली में चेक कर लो, कहीं आपके यहाँ पर भी जेवरात या पैसे गायब ना हो गए हो। मेरे घर में श्वेता कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रहती है और खासकर मेरी अलमारी मेरे ही कमरे में रहती है, और अगर तुम इतना कहती हो तो मैं उसे कल ही काम से निकाल देता हूँ। सुलेखा एक बहुत जलन घोर औरत थी, जिससे शिवानी का प्राइवेट स्कूल में जाना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रधान के यहाँ झूठ बोलकर श्वेता को बदनाम कर दिया और उसकी जॉब भी खा ली। अगले दिन जब श्वेता काम पर जाती है तो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर सीधा काम पर चली जाती है। स्कूल छोड़ने की वजह से थोड़ा लेट पहुँचती है और तभी प्रधान उससे कहता है, आ गई चोरनी, तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि तूने जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ वहाँ पैसे और जेवरात भी चोरी किए हैं। क्या तूने यहाँ पर भी ये हरकत करी है? सच सच बता दे, क्योंकि अगर तेरे जाने के बाद यहाँ पर पता चला कि कुछ भी गायब है तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कैसी बातें कर रही हो प्रधान जी, मेरी ये पहली जॉब है, मैंने इससे पहले कहीं भी काम नहीं किया, और आपको ये किसने कहा कि मैं एक चोरनी हूँ? तुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुझे इस जॉब से निकाल रहा हूँ। प्रधान जी ऐसा ना करें, आपकी वजह से मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले पाई है और हमने बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में भेजा है। आपकी बदौलत मेरा घर चल रहा है, मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसा ना करें। प्रधान श्वेता की एक बात नहीं सुनता और सुलेखा की भरी हुई चुगलियां प्रधान के कान में चल रही होती है, जिसके कारण प्रधान श्वेता को जॉब से निकाल देता है। जॉब से निकालने के बाद श्वेता वापस से घर पर रहने लगती है और 1 महीने बाद पैसों की किल्लत हो जाती है,
जिसके कारण कुणाल और श्वेता दोनों ही स्कूल की फीस भरने में असमर्थ हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद शिवानी की फीस ना आने के कारण शिवानी को स्कूल से निकाल दिया जाता है और फिर शिवानी भी घर में पहले की तरह रहने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अभी ही तो उसकी पढ़ाई शुरू हुई थी और अचानक ही किसी की बुरी नजर लग गई, जिसके कारण वो वापस से पढ़ाई से हाथ धो बैठती है। परेशान होकर श्वेता नदी के पास चली जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है। आखिर किसने मेरी झूठी चुगली प्रधान से करी होगी? मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैंने और मेरे पति ने एक सपना देखा था कि अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। श्वेता ये सब बोलकर रो ही रही होती है कि तभी अचानक नदी के पास खड़े पेड़ से आवाज आती है। रो मत बेटी, सब समस्या का हल होता है। कौन है यहाँ? कौन है? मुझे देख क्यों नहीं रहे? तुम्हारे सामने खड़ा नदी के किनारे वाला पेड़ हूँ। इधर देखो, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ बेटी। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लो, जादुई लकड़ी का सैंडल घर। इस घर में तुम्हें कभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी और तुम और तुम्हारा परिवार इस घर में आराम से रह सकता है और तुम्हें किसी बात की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी तुम मन में सोचोगी ये तुम्हारे पास होना चाहिए, वो तुम्हारे पास तुरंत मिल जाएगा। क्या सच में आपने तो मेरी सारी समस्या का हल दे दिया? मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूं और जो लोग अपनी जिंदगी में मेहनत की रोटी कमाकर खाते हैं, उनको मैं कभी भी परेशान नहीं देख सकता। इतना कहकर पेड़ वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में खड़ा हो जाता है और श्वेता अपने परिवार के लिए एक जादुई लकड़ी के सैंडल घर को दे देता है, जिसके बाद श्वेता अपने पति और अपनी बेटी शिवानी को लेकर जादुई लकड़ी के सैंडल घर में आ जाती है और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। जादुई सैंडल घर से अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे मांगती है और अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवाती है और धीरे धीरे शिवानी इंग्लिश सीख लेती है और अपने प्राइवेट स्कूल में बहुत इंजॉय करती है और अच्छे से मन लगाकर पढ़ती है और इस तरह अपनी हंसी खुशी जिंदगी चैन और आराम से जीती है। सुंदरगढ़ राज्य में राधा अपनी माँ के साथ रहती थी। राधा बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़की थी। राधा की माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, राधा की माँ काम करके जब घर लौट रही थी तभी अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है और वो देखती है कि बारिश के पानी में एक बहुत ही चमचमाती चीज बह रही है। अरे, इस बारिश के पानी में ये चमकदार चीज क्या है? जब वो पास जाकर देखती है तो वो किसी राजकुमारी की चमचमाती हीरों से सजी सैंडल होती है। राधा की माँ उस सैंडल को उठाकर अपने घर ले आती है। राधा बेटी, ये देखो मुझे क्या मिला है। माँ, ये सैंडल तो बहुत कीमती है और इस पर हीरे भी लगे हुए हैं। इतनी महंगी सैंडल तो किसी राजकुमारी के ही हो सकते हैं। हाँ, पर ये सैंडल तो एक ही है, क्यों ना हम इसे शहर ले जाकर बेच दे, इससे हमें खूब सारे पैसे मिल सकते हैं। नहीं माँ, ये सैंडल हमारा नहीं है तो इसे बेचने का हक भी हमारा नहीं है। मैं कल ही राज दरबार में जाकर राजकुमारी रागिनी को ये सैंडल दे दूंगी, उनका ही होगा, अधिक बारिश की वजह से पानी में बह गया होगा। और देखना माँ, वो खुश होकर जरूर हमें कुछ ना कुछ इनाम तो जरूर देंगे। पर बेटा, ये एक सैंडल है, अगर उसने दूसरा भी मांगा फिर क्या होगा? अरे मेरी प्यारी माँ, तुम चिंता मत करो, वो दूसरा सैंडल नहीं बल्कि खूब सारा इनाम देंगी मुझे।
तुम कहती हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ, पर जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। अरे माँ, ज्यादा मत सोचो और अब तुम सो जाओ। अगली सुबह राधा उस सैंडल को लेकर राज दरबार में पहुँचती है। राजकुमारी रागनी, कोई आपसे मिलने आया है, अंदर ले आओ। राधा अंदर आकर राजकुमारी को वो सैंडल देती है। सैंडल को देख राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा सैंडल है जो कि खो गया था। मैं इसके लिए कितनी परेशान थी। तुम्हें पता है, ये सैंडल मुझे मेरे जन्मदिन पर परी ने गिफ्ट दी थी। लाओ दो मेरी सैंडल। राजकुमारी राधा के हाथ से सैंडल ले लेती है। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ एक ही है, दूसरे सैंडल कहाँ है? ये क्या मजाक है, मुझे मेरे दूसरे सैंडल भी दो। पर राजकुमारी, मेरी माँ को तो सिर्फ एक सैंडल ही मिले हैं, और मैं दूसरा कहाँ से लेकर आऊँ। बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तुम माँ बेटी ने। पहले तो तुमने मेरी सैंडल चुरा ली और अब मेरा ही सैंडल लेकर मुझसे ही इनाम लेने चली आई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा दूसरा सैंडल भी ला कर दो, तुमने ही मेरी सैंडल चुराई है। राधा के लाख समझाने पर भी राजकुमारी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो कहती है, तुम्हारे पास दो दिन की मोहलत है, दो दिन के अंदर या तो मेरी सैंडल ला कर दे दो या फिर सजा के लिए तैयार रहो। इतना बोलकर राजकुमारी उससे जाने को कहती है। माँ ने बिल्कुल सही कहा था, अब मैं क्या करूँ, सैंडल का दूसरा जोड़ा अब कहाँ मिलेगा और मैं कहाँ से लेकर आऊँगी। राधा बहुत दुखी मन से घर आती है। मिल गया तुझे नाम, सैंडल तो तू दे ही आई होगी, पर तेरा मुँह क्यों उतरा हुआ है। राधा फिर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब क्या होगा माँ, दूसरी सैंडल अब कहाँ से लाऊंगी मैं? मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, अब फंस गए ना हम। अब हमारी बातों पे कौन यकीन करेगा, लोग तो हमें ही चोर समझेंगे। ऐसा मत कहो माँ, कुछ तो करो, मैं अपने ऊपर ये चोरी का इल्जाम बिल्कुल भी नहीं सह सकती, अब इस मुसीबत से तो ऊपर वाला ही निकाले। इतना बोलकर उसकी माँ सो जाती है। राधा को पूरी रात नींद नहीं आती है, वो सोच रही होती है, आखिर ईमानदार लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो उनकी चीज उन्हें लौटा रही थी और उन्होंने ही हमें चोर समझ लिया, अब मैं अपने आप को सही कैसे साबित करूं? अगले दिन राधा एक तालाब के किनारे उदास बैठी होती है। अब कल मुझे दरबार में फिर से बुलाया जाएगा और सबके सामने मुझे चोरी के इल्जाम में सजा दी जाएगी, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ, मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की और आज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। राधा की बातें सुनकर तालाब में से एक जलपरी बाहर आती है और वो राधा से उसकी समस्या पूछती है। राधा उसे सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना बोलकर जलपरी खूब सारे सैंडलों की बारिश कर देती है, लेकिन उन सभी सैंडलों में से राजकुमारी के उस सैंडल का दूसरा जोड़ा नहीं होता। राधा ये देखकर फिर उदास हो जाती है। जलपरी जी, इन सारे सैंडलों में वो सैंडल तो है ही नहीं जो मुझे चाहिए, फिर मैं इन सारे सैंडलों का क्या करूँगी, आप इन्हें वापस ले लो, और वैसे भी आप मुझे वैसा सैंडल दे ही देंगी तो उससे मुझ पर लगा चोरी का इल्जाम तो नहीं खत्म होगा। जलपरी को राधा पर बहुत दया आती है और वो कहती है, तुम चिंता मत करो राधा, मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। राधा फिर उदास मन से घर आ जाती है। अगले दिन उसे राज दरबार में बुलाया जाता है। अच्छा, तो तुमने सोच लिया है मेरी सैंडल नहीं दोगी, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मेरी एक सैंडल बेच दी हो? राजकुमारी, मेरा यकीन करे, मैंने आपके सैंडल नहीं चुराए हैं। तुम जैसे लोगों का यकीन नहीं बल्कि उन्हें सजा दी जाती है। रुक जाओ राजकुमारी, बिना सच्चाई को जाने किसी को सजा देने का हक आपको नहीं है। आप नहीं जानते परी जी, इसने आपके दी हुई मेरी सैंडल चुराई है। मैं सब जानती हूँ राजकुमारी,
और मैं ये भी जानती हूँ कि वो सैंडल आपने अपने लापरवाही की वजह से जंगलों में खो दी थी। वो तो एक सैंडल बारिश में बहते बहते राधा की माँ को मिल गया, तो वो बेचारी उसे आपको लौटाने आई थी। आपको उसको धन्यवाद करने की जगह उसे सजा सुना रही हो। मुझे माफ कर दीजिए परी जी, मैंने बिना सच्चाई जाने एक निर्दोष को सजा देने जा रही थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राधा तुम भी मुझे माफ कर दो। राजकुमारी जी आप माफी मत मांगो, आपको सच का पता चल गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। इसके बाद राधा हंसी खुशी अपने घर लौट गई। रामपुर गांव में सुरेश अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और दयालु था। उसे जहाँ तक बन पड़ता वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। सुरेश का एक आम का बगीचा था। जून का महीना शुरू हो चुका था। सुरेश के बगीचे का आम अब पकने लगा था। सुरेश बगीचे से आम तोड़ उसे शहर में ले जाकर बेचा करता था। उससे जो कुछ भी आमदनी होती उसी से वो अपने घर का खर्च तथा जरूरतमंदों की मदद किया करता था। सुनो जी, आप बिना सोचे समझे हर किसी की मदद कर देते हो, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं हमारे तो कोई मदद नहीं करता, बस आप ही दाने की तरह दूसरों का सोचते रहते हैं। अरे भाग्यवान, तुम फिर से शुरू हो गई। देखो जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उसकी हमेशा मदद करते हैं। और क्या फर्क पड़ता है कोई हमारी मदद करे ना करे, मुझे तो दूसरों की मदद करने में बड़ा ही सुकून मिलता है। वह सुकून इस दौलत में कहां। सुलेखा माथा पीटते हुए रसोई में खाना बनाने चली जाती है। उधर शहर में सुरेश के साथ उसी के गांव का मदन लाल भी आम बेचने शहर जाया करता था। दोनों एक ही जगह आम बेचा करते थे। मदन लाल बहुत ही धूर्त और लालची इंसान था। मदन लाल जब भी खाना खाने या किसी और काम से बाहर जाता तो सुरेश उसकी आम की रेडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। सुनो भैया, आम कैसे दिए। बहन जी 50 रुपए किलो आम है। भैया मीठा तो है ना। हाँ हाँ बहन जी, आप खाकर देख लीजिए। ठीक है भैया, आम तो वाकई में मीठे हैं। भैया इस रेड़ी पर तो कोई दूसरा आदमी रहता था। हाँ बहन जी, वह दरअसल खाना खाने गया है, वह दूसरी रेड़ी मेरी है। भैया आपके रेड़ी पर तो कोई नहीं है, आप अपना काम छोड़कर दूसरों का आम बेच रहे हो। अरे बहन जी एक ही गांव के तो लोग हैं, एक दूसरे की इतनी मदद तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा बहन जी बताइए कितना आम दूं। 5 किलो दे दो भैया। अच्छा भैया आपका नाम क्या है। मेरा नाम बहन जी सुरेश है। सुरेश एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था। वो इतना अच्छा था कि जब भी मदन लाल अपनी रेड़ी पर नहीं होता था तब वो उसका पूरा काम किया करता था। लेकिन मदन लाल लालची और स्वार्थी इंसान था। वो कभी सुरेश के बारे में सोचा नहीं करता था। जब कभी सुरेश अपनी रेड़ी पर नहीं होता था तब मदन लाल उसके ग्राहक को भी अपनी रेड़ी के पास बुला लेता था। ऐसे ही एक दिन शाम को। अरे बहन जी क्या हुआ, उधर क्यों जा रहे हो, आम खरीदना भूल गए क्या। अरे नहीं नहीं भैया, हमेशा तो मैं आपसे ही लेकर जाती हूँ, पर आज मैं आपके दोस्त सुरेश के पास से आम खरीदूंगी। बेचारा हर रोज अपना काम छोड़कर तुम्हारे ग्राहक को देखता है, आपको तो बहुत ही अच्छा दोस्त मिला है। हाँ हाँ जाइए जाइए, यह सुरेश तो अच्छाई का नाटक करके मेरी ही ग्राहक को भड़का रहा है, इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा। मदन लाल सुरेश की अच्छाई को बुराई समझने लगा, लेकिन सुरेश अपने अच्छे व्यवहार और कामों से सबका दिल जीत लेता था। सभी ग्राहक अब सुरेश के पास ही आते थे। सुरेश तो शाम तक अपना सारा आम बेच लेता था, लेकिन मदन लाल उसके तो आधा से भी ज्यादा आम बच जाया करता था। मदन लाल अगले दिन फिर उसी आम को बेचने ले आता था, जिस वजह से उसके जो भी थोड़े बहुत ग्राहक थे उन्होंने भी मदन लाल से आम खरीदना बंद कर दिया। ये सब देखकर मदन लाल की नफरत सुरेश के प्रति और भी बढ़ जाती है। क्या हुआ मदन लाल, लगता है तुम्हारे काम कुछ ठीक नहीं चल रहा। तुम एक काम करो,
तुम अपनी रेड़ी भी मेरी रेड़ी के साथ लगा दो। जब लोग मेरे पास आम खरीदने आएंगे तो मैं उससे कहूँगा कि तुमसे भी आम खरीद ले। अच्छा, तो अब मैं इनकी दया पर जीऊँगा। जो करना था वह तो कर दिया, ऊपर से अच्छाई का नाटक कर रहा है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना काम कैसे चलाना है अच्छे से पता है। मदन लाल उसी दिन रात में जब सारे लोग सो गए थे, तब चुपके से सुरेश के आम के बगीचे में जाकर उसके सारे आम के पेड़ में आग लगा देता है। अब देखता हूँ अब कैसे आम बेचता है। सुरेश अगले दिन जब अपने बगीचे में आम तोड़ने आया तो सभी पेड़ों को जला हुआ देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो उदास मन से वहीं बैठ गया। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो गया। अब मैं सुलेखा को यह सब कैसे बताऊंगा। उस बेचारी को तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा, और फिर मैं लोगों की मदद भी नहीं कर सकता। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। तभी सुरेश के पास एक तोता आकर बैठ जाता है और वो सुरेश को उदास देख उसके उदासी का कारण पूछता है। सुरेश उसे सब बता देता है। बस इतनी सी बात, तुम इसके लिए इतने परेशान हो। तोता जी, मैं अपने लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, पर मैं अब क्या करूँगा यह सोचकर थोड़ा चिंतित हूँ। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर तोता सुरेश को आम का एक गुठली लाकर देता है। इस आम की गुठली को अपने बगीचे में लगा दो, इससे सोने का आम देने वाला पेड़ उगेगा जो 12 महीने तक आम से लदा रहेगा, जिसे बेचकर तुम जितने चाहो उतने लोगों की मदद कर सकते हो। सुरेश को तोते की बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो तोते की तसल्ली के लिए उस बीज को वहाँ जमीन में गाड़ देता है और फिर घर चला जाता है। अगले दिन जब वो अपने बगीचे में आता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके बगीचे में एक बहुत ही विशाल आम का पेड़ था और उस पर सोने के आम लटक रहे थे। ये देख सुरेश के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे यह क्या, यह तो सचमुच सोने देने वाला आम का पेड़ है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। और फिर उन आमों को बेचकर सुरेश बहुत अमीर बन जाता है और वो लाचार लोगों की मदद हमेशा की तरह करता रहता है। वो अपने गांव वालों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, घर, जरूरत की सारी चीजें बनवाता है। लोग सुरेश की तारीफ करते नहीं थकते और सभी उस गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से यदि हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। यदि आपने भी कभी किसी की मदद की हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।